नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत के लिहाज से या देश की सियासत के लिहाज से आज का दिन बड़ा दिन है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR बिहार आ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे, बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव से मिलेंगे और KCR के बिहार दौरे को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विपक्षी एकता के लिहाज से, विपक्षी एकजुटता की कोशिशों के लिहाज से ये माना जा रहा है कि महागठबंधन ने, विपक्ष ने एकता की कवायद तेज कर दी है। ये कोशिशें अब रफ्तार पकड़ने लगी हैं और KCR अगर बिहार आ रहे हैं, नीतीश कुमार से मिलेंगे, तो उसका एक बड़ा मतलब है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से क्या जानकारी है इस मुलाकात को लेकर, वो भी हम आपको बता देते हैं। गैर भाजपा दलों की एकजुटता पर नीतीश कुमार KCR से बात करेंगे, यानी कि वैसे राजनीतिक दल जो BJP के साथ नहीं है और देश में विपक्षी पार्टी हैं, उनकी एकता को लेकर, उनको साथ लाने को लेकर KCR नीतीश कुमार से बात करेंगे। और जो खूब उत्साह है बिहार में महागठबंधन खेमे में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बिहार आने को लेकर, तो भाजपा के दो धूर विरोधियों की मुलाकात आज होगी। नीतीश कुमार भी BJP के बड़े सियासी दुश्मन हैं इन दिनों और मोदी से टकराने की रणनीति पर काम कर रही है JDU। नीतीश कुमार को मोदी के सामने खड़ा करने की रणनीति पर काम कर रही है JDU। दूसरी तरफ KCR भी मोदी को किसी भी हाल में रोकने की प्लानिंग पर बहुत दिन से काम कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार और KCR की मुलाकात इस लिहाज से भी बहुत अहम है। राजद के जो सुप्रीमो हैं लालू यादव, उनसे भी KCR मुलाकात करेंगे और हमने आपको बताया DC तेजस्वी यादव से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों की एकजुटता में JDU की अपनी कोई शर्त नहीं है। यह मुलाकात विपक्षी एकजुटता के मार्ग को राष्ट्रीय स्तर पर प्रशस्त करेगी। एनडीए से हम लोगों के अलग होने के बाद नीतीश कुमार देश भर के विपक्षी दलों की बड़ी आशा के रूप में सामने आए हैं। बिहार ने भाजपा की देश में एक छत्र राज कायम करने की ख्वाहिश को तोड़ा, देश को बताया कि भाजपा को भी हराया जा सकता है। भाजपा खिलाफ तमाम विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका होनी है। तो JDU ये तो नहीं कह रही है कि हमारी कोई शर्त नहीं है, JDU ये कह रही है कि हमारी कोई शर्त नहीं है, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा कि नीतीश कुमार की भूमिका बेहद अहम होगी। हालांकि JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ये कह चुके हैं कि विपक्षी दल चाहें तो नीतीश कुमार देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। तो तैयारी यही है कि नीतीश कुमार को विपक्ष का चेहरा बनाया जाए, प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए। नीतीश कुमार खुद नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के कई बड़े नेता ये कह चुके हैं, बल्कि पार्टी के कोटे से जो मंत्री हैं श्रवण कुमार, ये तो यहाँ तक कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ही दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराएंगे। तो KCR और नीतीश कुमार की मुलाकात को लेकर सब कुछ टिका हुआ है, निगाहें टिकी हुई हैं। इस मुलाकात की क्या तस्वीरें सामने आती है, क्या बयान सामने आता है, इस मुलाकात से क्या निकलकर सामने आता है, वो सब कुछ देखना होगा। फिलहाल अभी यही कहा जा सकता है कि विपक्षी जो महागठबंधन का खेमा है उसमें उत्साह है KCR के बिहार आने को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली है। वैसे भी लालू नीतीश के साथ आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी है और BJP का मिशन बिहार इसी बेचैनी के तहत देखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी भी ये समझती है कि लालू नीतीश के साथ आने से क्या संभावित नुकसान हो सकता है, इसीलिए BJP ने भी मिशन बिहार की शुरुआत की है। अमित शाह बिहार आ रहे हैं 23 और 24 सितंबर को, बिहार में 2 दिन तक रहेंगे। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।